हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सदर बाजार का होम डेकोरेशन हॉल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और दिवाली भी आने वाली है, और हम सभी दिवाली पर अपने घरों को सजाने के लिए होम डेकोरेशन का बहुत सारा सामान खरीदते हैं। तो मैंने भी अपने घर को सजाने के लिए ढेर सारा होम डेकोरेशन का सामान परचेज किया है, वही मैं आज आप सबको दिखाने वाली हूँ। ये सारा डेकोरेशन का सामान मैंने सदर बाजार के चावड़ी बाजार से परचेज किया है। चावड़ी बाजार में एंटर करते ही आपको काफी सारे गिफ्ट आइटम और होम डेकोरेशन की शॉप्स मिल जाएंगी। वहां पर आपको ये सारा सामान बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने वहां से क्या क्या परचेज किया है। तो शुरुआत करते हैं गणपति जी से। ये है गणपति जी की बहुत ही सुंदर मार्बल की चौकी। ये बहुत ही सुंदर डेकोरेशन पीस है। इसके ऊपर आप टी लाइट रख सकते हैं और इसे अपने घर को सजाने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। और इस प्यारे से गणपति जी का प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज। मैंने इन्हें सिर्फ 100 रुपीज में परचेज किया था। नेक्स्ट आइटम है ये है गणपति जी का शैडो दिया। इसके अंदर इस तरह की टी लाइट लगाते हैं और उसके बाद गणपति जी का शैडो पीछे दीवार पर विजिबल होगा जब आप इस कैंडल को जलाएंगे। इसकी पिक्चर मैं साथ में इंसर्ट कर दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह का दिया है। मैंने इसके दो पीसेस खरीदे हैं, एक है गणेश जी और दूसरा लक्ष्मी जी। इनके साथ मैंने एक और शैडो दिया खरीदा है, ये बुद्धा का शैडो दिया है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसके ऊपर भी आप टी लाइट कैंडल रख सकते हैं। ये भी कैंडल जलाने पर पीछे इसका शैडो क्रिएट होगा, देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। तो नेक्स्ट था ये। इस शैडो दिया का मैंने ऑनलाइन प्राइस चेक किया था जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, और सदर बाजार में मुझे ये सिर्फ 30 रुपीज का एक सिंगल पीस मिला है। जी हाँ, सिर्फ 30 रुपीज में मुझे एक शैडो दिया मिला है और मैंने खरीदे हैं ये तीन। और अगर आप दो पीस खरीदते हैं इसके तो आपको 50 रुपीज में दो पीस मिल जाएंगे। मैंने इसके ये तीन पीस खरीदे हैं। तो आप ऑनलाइन प्राइस से ये जरूर कंपेयर करके देखिएगा। तो नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट आइटम है ये टी लाइट कैंडल्स। ये टी लाइट कैंडल्स दिवाली पर बहुत काम आती है। काफी सारे डेकोरेशन पीसेस के अंदर इस टी लाइट का यूज होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको शैडो दिया दिखाया, उस तरीके के काफी सारे टी लाइट होल्डर होते हैं जिनके अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने ये 50 पीसेस का सेट खरीदा है और मैंने इसे सिर्फ 70 रुपीज में परचेज किया था। काफी सारी वैरायटी अवेलेबल थी, सेंटेड थे, कलरफुल थे और काफी सारी डिफरेंट शेप्स और साइजेस के अवेलेबल थे। मैंने ये सिंपल प्लेन वाला लिया है। तो नेक्स्ट है ये। नेक्स्ट है एक और डेकोरेशन पीस। ये भी एक कैंडल होल्डर है, टी लाइट कैंडल होल्डर है। इसे आप अपनी सेंटर टेबल या साइड टेबल को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं।
इसकी पैकेजिंग भी काफी अच्छी है और देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं दिवाली पर तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। तो नेक्स्ट था ये, इसकी प्राइस थी सिर्फ 50 रुपीज। नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये गणेश जी का वॉल हैंगिंग। ये भी बहुत सुंदर वॉल हैंगिंग है, इसके ऊपर गोल्डन कलर की ग्लिटर लगी हुई है, ग्लिटर शीट लगी हुई है और सेंटर में गणेश जी है। इसके चारों तरफ रेड कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और इसके साथ में हैंगिंग्स भी लगी हुई है। इसको आप दीवार पर या अपने डोर पर टांग सकते हैं दिवाली पर, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। तो नेक्स्ट था ये, और इसे मैंने सिर्फ 50 रुपीज में खरीदा था। नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये हैंगिंग टी लाइट होल्डर्स। ये बहुत ही सुंदर टी लाइट होल्डर्स हैं। इनके अंदर आप इस तरीके की टी लाइट्स लगा सकते हैं और इन्हें अपनी वॉल पर या अपने मंदिर के अंदर हैंग कर सकते हैं। जलने के बाद ये यहाँ से इनकी शैडो दिखेगी, शैडो क्रिएट होगी जो कि बहुत सुंदर लगती है। अगर इसके प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस सुनकर आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। ये मुझे मिला है एक पीस सिर्फ 20 रुपीज का, यानी सिर्फ 20 रुपए में आपको ये इतना सुंदर टी लाइट होल्डर मिल रहा है, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। तो मैंने ये दो पीस खरीदे हैं। इसी के साथ मैंने कुछ और टी लाइट होल्डर्स परचेज किए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहला है ये, दूसरा है ये और नेक्स्ट है ये। इन सभी को क्लोजली मैं आपको दिखा दूंगी। इनके साथ में आपको टी लाइट भी मिलती है और इन सभी का प्राइस है 20 रुपीज ईच। सिर्फ 20 रुपए में एक टी लाइट होल्डर टी लाइट के साथ, कैंडल के साथ। तो नेक्स्ट है ये, ये वाले टी लाइट होल्डर और ये वाले मैंने एक साथ परचेज किए थे और इन 5 पीस के मैंने पे किए थे सिर्फ 100 रुपीज, यानी मुझे ये 20 रुपीज का एक टी लाइट होल्डर पड़ा था। दिवाली है और दिवाली पर हम कैंडल्स ना खरीदे तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने परचेज की है ये सेंटेड कैंडल्स। ये 5 सेंटेड कैंडल्स का सेट है। इसके अंदर आपको मिलती है रोज, ग्रीन एप्पल, वनीला, लेवेंडर और ऑरेंज फ्लेवर की 5 कैंडल्स। देखने में ये कैंडल्स बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन कार्व किया हुआ है। ये कैंडल्स बहुत ही सुंदर पैकेजिंग में मिलती है, बहुत अच्छे से ये गिफ्ट रैप्ड है। अगर आप दिवाली पर इनको किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है।
इसके प्राइस की बात करें तो ये 5 सेंटेड कैंडल का सेट मुझे मिला था सिर्फ 150 रुपीज में। तो नेक्स्ट था ये, इसके साथ ही मैंने ली है एक और कैंडल, वो है ये लेमन फ्लेवर की सेंटेड कैंडल है। ये जार की शेप में है, इसके साथ आपको एक ढक्कन भी मिलता है। यहाँ से कैंडल को जलाकर आपको जब तक जलानी है जलाइए, उसके बाद आप इसे ढक्कन को बंद कर दीजिए और कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये कैंडल भी मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर मिली। इसका प्राइस था सिर्फ 50 रुपीज। सेंटेड कैंडल्स ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा प्राइजी होती है, तो अगर आप अपने घर के लिए सेंटेड कैंडल्स खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार सदर बाजार जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और काफी अच्छी वैरायटी मिलेगी, तो एक बार आप जरूर सदर बाजार में ट्राई कीजिएगा। और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा, और इसके अंदर काफी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल थे। मैंने लिया है लेमन। तो नेक्स्ट था ये, नेक्स्ट आइटम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये है मनी प्लांट की आर्टिफिशियल लीव्स। इन लीव्स की हाइट है 7 फीट और इसमें आपको मिलती है 4 लड़ियां यानी कि 4 स्ट्रैंड। इनको आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में। मैंने इसे सदर बाजार से सिर्फ 150 रुपीज में परचेज किया था। तो नेक्स्ट है ये, लास्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये है आर्टिफिशियल प्लांटर्स। ये आर्टिफिशियल फ्लावर के छोटे छोटे से पॉट्स हैं। इनको आप अपने घर की डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इनको अपने सेंटर टेबल पर रखें या अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या चाहे तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। नॉर्मली ये 100 रुपीज के 4 पीसेस मिलते हैं, मगर फेस्टिव सीजन में जमकर बार्गेनिंग चल रही है तो मैंने भी इसे 100 रुपीज में इसके 6 पीसेस परचेज किए हैं। तो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है ये सभी प्रोडक्ट्स जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं, मैंने उनके ऑनलाइन प्राइस चेक किए हैं और कंपैरेटिवली सदर बाजार में आपको ये आधे से भी कम प्राइस में मिल जाएंगे। तो जो लोग सदर बाजार नहीं जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन ये सामान परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनके प्राइस कंपेयर करना चाहते हैं तो भी आप लिंक्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा आइटम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।